सर ये एस आई वीर कुमार पठानकोट मेरी ड्यूटी है, रिहास मेरी दीनानगर है। तो 11 तरीक न पंजे महीने की गल है जी, मैं सवेरे अपनी ड्यूटी पर आ रहा जी, तो करीब 10:30 का टाइम है, तो मैं थोड़े जे पैसों की लोड़ ही, तो नाल ही मेरे पैंदा उत्थे एक्सिस बैंक वाल ए टी एम है नाल ही क्वालिटी वाल दीनानगर, तो मैं उत्थे पैसे लैन कढ़वाण लगा, मशीन से कार्ड लाया, मशीन ने कार्ड नहीं चुकया, तो मैं एक दो बारी ट्राई की, तो मैं चलो मैं ना ब्रह्मपुर जाके तो उत्थे अपने एच डी एफ बैंक चो उतो कढ़वा लैंना ए टी एम तो, उन्हें चाहे मेरे मगर दो मुंडे आ गए ना, तो वह भी अंदर मर गए मोने से, दोए आ गए उन्हों की उम्र करीब 24-25 साल दे लगभग, दोए मोने मुंडे तो वह आ गए अंदर, मुंडे कहते भाजी ये की गल पैसे है नहीं मशीन से, मैं यार मेरी मशीन मेरा तो कार्ड चुकया नहीं मशीन ने, तो तुम दे लो ला के जो थोड़ा चलता रहे, उन्होंने लाया अपना कार्ड, तो मैं बाहर ही मैंने कहते साढ़ा तो लग गया भाई कार्ड थोड़े भी निकल आने पैसे तो ला लो तुम दोबारा, मैं भी सोचा मैं चलो थोड़े पैसे कटाने 2-3 हज़ार इतों ही कटवा लैंना की परे जाना, मैं फिर दोबारा कार्ड लाया तो वह मेरे मगर ही आ गए ना अंदर ही, फिर मेरे लागे खड़ो गए, मैंने कहते भाजी थोड़ा ता नहीं चल रहा, थोड़े 3 अखर दबे जा रहे, चौथा नंबर थोड़ा सो नहीं हो रहा, इस करके मुड़के इन घुट के दबाओ, वो मैं सगो लगा फिर घुट के दबान यकीन जहा बना लिया होना, वो मैं जो दोबारा लाया होना मेरा ओ टी पी नंबर नोट कर लिया, वो एक इधर खलोते था सज्जे मोडे एक खब्बे मोडे खलोते था दोनों जने, तो बाद एक कहता है कार्ड थोड़ा गलत जहा लगन दिया भी ठीक नहीं लगा, वो फट के तो हिलान दिया पे, उन्होंने ना मैं कंफ्यूज जहा कर दिता दोनों ने, कभी वह गली पा ले कभी वो ही मेरा होना, उन्होंने कार्ड चेंज कर लिया उही कलर का उ एच डी एफ बैंक का सेम उ चीज़, वो कार्ड बिच मशीन से फसया वो बाहर निकल आ गए, मैं मशीन ना लगा रहा, जब मैं बाहर निकलिया वो मुंडे है नहीं उत्थे, मैं सोचा मेरे दिमाग से भी नहीं आई ये गल, मैं मेरा ही कार्ड आ उही कलर है, मैं जेब से पाया मैं चल गया, मैं चल चौंक चो कढ़ा लिया ब्रह्मपुर वाले चौंक चो टाने लागू, मैं एच डी एफ बैंक से गया उत्थे ए टी एम से लाया, बाहर गनमैन सीगा उत्थे खड़ा, मैं उन्होंने आवाज मारी मैं यार वेखी है बहू मशीन चुकन नहीं डेरी कार्ड उत्थे भी नहीं की नुक्स गई है, वो मैंने कहते तो अंदर चल जाओ मैडम बैठी है उन्होंने पूछो, मैंने भी नहीं ये बारे पता चल रहा, और मैडम को गया तो मैडम कहते भी मैं लगता थोड़े ना कोई फ्रॉड हो रहा तो तुम मैनेजर साहब न मिलो, मैनेजर साहब को मैं गया तो मैनेजर साहब कहते कार्ड दो अपना, मैं कार्ड जो उन्होंने लगाया तो कार्ड ही चेंज कर लेता जो लगना कितने, वो कह मैं कार्ड दूजा ये नहीं गया है का, मैं उन्होंने कहा मैं कार्ड यही है जी, वो पता तो मैं उदों लगा जो मैनेजर साहब ने दसिया भी यार कार्ड तेरा चेंज कर गए ना, वो फिर उन्होंने मेरा खाता अकाउंट नंबर बोलिया, मैं अकाउंट नंबर तो मैनू याद नहीं है, तो कहते चल अपना मोबाइल नंबर बोलो, मोबाइल नंबर जो मैं बोलिया तो उन्होंने मेरा सारा खाता कट लिया, उन्होंने वेख्या तो कहते थोड़े तो पैसे निकल गए, मैं किन्ने निकले कहते 2.5 लाख रुपया, मैं किन्ने बजे निकलिया कहते हुणे 10:42, 43, 42, 43 मिनट से 3 वारी उन्होंने ट्रिप की तो पैसे थोड़े निकल गया, तो टोटल हैगा 2,67,000 जी, बिच 17,000 बच गया, उन्हें चल मैं मैनेजर साहब को पहुँच गया जी बैंक से, उन्हें 2.5 लाख, तो उन्हें चल मैं उत्थे चल गया जी मैनेजर साहब को, मैंने कहते एप्लीकेशन लिखो थोड़ा बंद कर दी करता, चलो उन्होंने मेरा अकाउंट बंद कर दिता, नहीं तो हो सकता उन्हें 17 भी कढ़ा ही लेना ही, उन्हें चल उन्होंने को स्पैब मशीन है जी जेब च पा के तुरे फिरते हैं, उसके बाद फिर मैं एस एस पी साहब गुरदासपुर से गया उन्होंने पेश होया, उन्होंने मैं एप्लीकेशन लिख के दी भी है मेरे ना ठगी बजी है जी, उन्होंने फिर साइबर ब्रांच वाले करती मार्क, वो बाद एक मैं एप्लीकेशन एस एच ओ दीनानगर देती, बाद फिर मैं उन्होंने दी जी एस एच ओ साहब ने फिर अपना थानेदार ला के बंदा दरखास्त मार करके कर दी उन्होंने, वो फिर बंदे दे देखन दे जी मौका माका, अजे तक तो कोई ना तो पैसा ही आया वापस मेरे को ना कोई अजे कोई गलबात ही हुई है जी, तो परचा तो उदा दर्ज कर लिया उन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड उ सर कोई नहीं है, तो मैं तो यही कहाँगा अगे भी अगलिया दहार दाँगा भी जिते सिक्योरिटी गार्ड है उत्थे पैसे कढ़वाओ, क्योंकि जो सानू लोड़ पैंदी है कई साढ़े नाल भी ज़्यादा उदा दे आ जाते जिन्होंने नहीं पता लगता, तो तकरीबन ये होंगे भी कितने कितने सिक्योरिटी गार्ड मिलता, तो आम तौर पर इदा ही ए टी एम खुले पे होंगे जिते कि लोगों ने ठगी हो जाती है, तो जे सिक्योरिटी गार्ड हो तो चलो ठगी तो बच सकते हैं अं, तो मेरे नाल हो गई है तो बाकियों नाल क्यों नहीं होगी, तो इस करके मैं तो कहना सिक्योरिटी गार्ड हर सरकार को भी उत्थे लाना चाहिए जरूरी है।
हाँ जी, ये अपने साढ़े डिपार्टमेंट दी या वीर सिंह जिहड़े ASI ने पठानकोट लगे ते उन्होंने साढ़े को कंप्लेन लिखाई ही भी कुछ दिन पहला जिहड़ा वा इत्थे दीनानगरों अपने ATM दे विचों पैसे कढ़ाउण लगे ही ते पैसे निकले नहीं ते एक होर बंदा सीगा लागे ते उहदे पैसे निकल गए ते उहने उहनूं कहा भी मैं तेरे पैसे कढ दिंदा वां ते उह ATM उहदा लै लिया ते अपना उहने कोड भी दस्सता ठंडदर साहब ने वो जिहड़ा उहने जिहड़ा उहदा ATM सीगा वह रख के कोई होर इहनूं देता ते बाद दे विच जिहड़ा वा इह 420 करके ते 2.5 लाख रुपया जिहड़ा दोषी सीगा उहने इहदा ठंडदर साहब दा जिहड़ा 2.5 लाख रुपया ATM दे राहीं कढा लिया। जदों फिर इहनूं पता लगा ते फिर उह बंद कराया, इहने सानूं दरखास्त दित्ती जिहदी जिहड़ी साइबर सैल तों जिहड़ी आ इहदी इनकुआरी सारी कीती गई आ ते उह जिहड़ा दोषी आ उहदा वी पता लग गया वा, जिहड़ा निरवैल सिंह सरसे दा सीगा जिहने 2.5 लाख रुपया इहदा ATM जिहड़ा चेंज करा के ते धोखे नाल कढा लिया सीगा। तो बाई नेम जिहड़ा वा इहदे बयानां दे उत्ते जिहड़ी आ निरवैल सिंह दोषी दे खिलाफ जिहड़ी आ FIR थाणा दीनानगर विखे दर्ज कर दित्ती गई आ। दोषी नूं असीं जिहड़ा वा जल्दी तों जल्दी जिहड़ा वा ओह सरसा पुलिस पार्टी भेज के गिरफ्तार